भारतीय जनता पार्टी श्री अशोक पाल जी श्री रविंद्र राणा जी रफीक वानी साहब रुमैसा जी तो यहाँ पे ही हल करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार चाहती है विकास करना, हमारी सरकार चाहती है यहाँ पे हर गरीब को मकान मिले, हर गरीब कोई दुखी, हमारा मिशन ही है उस व्यक्ति तक पहुँचना जहाँ तक आज तक कोई व्यक्ति नहीं पहुँचा है। हमें यहाँ सियासत नहीं करनी है, हमें यहाँ पे लोगों के दुख दर्द को दूर करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही मिशन है लोगों के दुख दर्द को दूर करना, लोगों तक पहुंचना, लोगों को स्कीम्स के बारे में अवेयर करना। मैं आपको एक बार अपनी दिल की उम्मीद गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग आज यहाँ पे आ गए इतनी सर्दी में। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बाकी जय जी जय भारत। प्रॉब्लम है, इसको हम नोट करके इसके अजाला करने का कोशिश करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन मसलों का उठाएंगे और आपका जो मसला है इसको हल करने का कोशिश करेंगे और बिल्कुल बार बार आपके बीच में आएंगे, आपकी तकलीफ को दूर करने का काम करेंगे। वो बताना चाहता हूँ कि आज देश को बहुत नुकसान पहुँचा है जो पुंछ राजौरी में इंसिडेंट हुआ है, मैं उसको कंडम कर रहा हूँ और ये पाकिस्तान बाज नहीं आता है वो, तो क्योंकि बार बार हमारे को ये तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। आज हमारे जवान अफसर शहीद हो गए, तो सबसे पहले मैं इसको बताना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो केवा मलिक आबाद है, ये अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इलाका है, फार फ्लंग एरिया है, यहाँ पे लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या समस्या है, उनके बीच आके यहाँ पे हमने सारा इनका जो मसले मसाइल है उनको हमने नोट किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन LG एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन मसलों को उठा के इनका उजाला करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हमने आज आयुष के द्वारा एक मेडिकल कैंप भी लगाया, ये गरीब लोग हैं, दवाई भी इनको फ्री में दे रहे हैं और चेकअप भी फ्री में कर रहे हैं। तो हमारा यही पार्टी का जो हमारा मंशूर है, उस गरीब तक पहुँचो जहाँ कोई नहीं पहुँचता है, हमारा यही एजेंडा है। और यही देखिए, यहाँ मैंने बोला हर किसी किस्म का तकलीफ जो है हम इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और LG के नॉलेज में लाके इनको भरपूर मदद करने की कोशिश।